नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारे से आ रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी थी और मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। और जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके अनुसार इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि खासकर इसमें शराबबंदी कानून, सड़क निर्माण योजना और भी कई मुद्दों को विशेष तौर पर रखा गया है। तो चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किन 19 एजेंडों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मोटरबोट, नाव, ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा एवं ईंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। पाटलिपुत्रा, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 पद और शिक्षकेतर कर्मियों के 89 पद यानी कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20,000 प्रतिमा, पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20,000 प्रतिमा, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के इंटर्न को 20,000 रुपये और फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15,000 रुपये प्रतिमा मिलेगा। बता दें कि राज्य के मेधावी छात्रों को पलायन से रोकने और राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी है, जिसमें 100 MBBS नामांकन क्षमता के साथ 423 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने मोतिहारी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार को साल 2015 से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त भी कर दिया है। 19 एजेंडाओं पर निर्णय हुए। आज मंत्रिपरिषद ने दो मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है और सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29,95,00,000 के BCF जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो इस पर आज स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ हमारे जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, उस अभियान के संचालन के लिए 25 करोड़ की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। इसी से आपको जानकारी होगा, विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, रेड किए जाते हैं, ड्रोन से भी रेड किए जाते हैं, तो उसी का व्यय के लिए यह राशि की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग भागलपुर के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1309 करोड़ की योजना स्वीकृत थी, अब उसको रिवाइज करके 980 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इसमें कुछ कंपोनेंट थे जो PPP कंपोनेंट थे और अन्य प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स थे, उसको हटा दिए गए हैं और जो मूल जो योजना पूर्व में स्वीकृत थी उसी के आलोक में यह स्वीकृति दी गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड सबस्टेशन में जो ABT मीटर्स हैं, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है, जो ABT मीटर्स हैं जो हर ग्रिड पे लगते हैं, उसके लगाने की स्वीकृति दी गई। उसमें 72,50,00,000 की राशि व्यय होगी। यह
मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। इस वीडियो में फिलहाल मिलता ही तमाम अपडेट्स के लिए अपनी रेडियो फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।